यह है SKM स्कूल। इसका पूरा नाम है सगडोलिया कनीराम मेमोरियल स्कूल। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे के पास स्थित इस स्कूल में 7वीं तक कक्षाएं संचालित है। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश होते ही स्कूल का विशाल मैदान दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिन पर हर मौसम में फूल खिले रहते हैं। यह मैदान इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ कई खेल गतिविधियां आयोजित की जा सकती है। मुख्य द्वार के बाईं ओर से पक्की फर्श वाला रास्ता है, जिसके दोनों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। स्कूल भवन के द्वार के पास छोटे बच्चों के खेलने के लिए उपकरण लगे हुए हैं। शुरुआती दिनों में बच्चे स्कूल के नाम से डरते हैं, ऐसे में उन दिनों में बच्चे इन खेल उपकरणों के माध्यम से खेलते हैं, जिससे स्कूल जाने को लेकर उनके मन में बैठा हुआ डर दूर होता है। हर जगह पर सूचना बोर्ड लगे हुए हैं, इनके बारे में बच्चों को विशेष तौर पर बताया जाता है, ताकि बच्चे आरंभ से ही सूचनाओं के प्रति जागरूक हो। यहाँ से इस ओर जाने पर यह पाथ वे है, इसके दोनों ओर खूब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। स्कूल भवन में प्रवेश करने का यह सुंदर द्वार है। बास्केटबॉल खेलने के लिए यहाँ सुव्यवस्थित ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ अनुभवी शिक्षक द्वारा बच्चों को बास्केटबॉल का अभ्यास करवाया जाता है। हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स में लगभग सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर गेम्स को इंक्लूड किया हुआ है, ताकि बच्चे अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे भी अपना ध्यान दे पाए और उसके साथ वो अपने आप को विकसित कर पाए। भवन के अंदर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग अत्याधुनिक टॉयलेट है, गैलरी व क्लासरूम के अलावा जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बैठे पूरे स्कूल की निगरानी रखते हैं। गैलरी में पंखे लगे हुए हैं, ताकि आगंतुकों सहित आने जाने वालों को गर्मी के दिनों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह दीवारों में अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, ताकि अकस्मात आग लग जाने पर उसे बुझाया जा सके। प्रत्येक कक्षा कक्ष में बच्चों के बैठने के लिए ब्रेंच व टेबल है। मार्कर बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर कक्षा कक्ष में CCTV कैमरे व स्पीकर लगे हुए हैं। बिजली, हवा व रोशनी के पुख्ता बंदोबस्त है। कमरों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी रहती है। अत्याधुनिक व सुव्यवस्थित कंप्यूटर लैब है। यहाँ अनुभवी शिक्षक द्वारा नियमित कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं। हमने यहाँ पर जो कंप्यूटर लैब जो एस्टेब्लिश की है, वो बिल्कुल हाईली कॉन्फिगरेटेड कंप्यूटर्स के साथ एस्टेब्लिश है, ताकि बच्चे हायर क्लासेस में जाने के बाद में भी उनको एक अच्छे कंप्यूटर की मदद से उनको अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। एक खास बात यह भी है कि यहाँ BEd या MEd क्वालिफाइड अध्यापक है। कोई भी अध्यापक इससे कम योग्यता वाला नहीं है। सूचना करने का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। जगह जगह स्पीकर व हॉर्न लगे हुए हैं। कोई भी सूचना एक ही बार में पूरे स्कूल में करने की व्यवस्था है। गैलरी की दीवारों में बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर बच्चों द्वारा तैयार किए जाने वाले चित्रों व कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। भवन में विशाल पुस्तकालय हैं। इसमें बैठने की समुचित व्यवस्था होने के साथ ढेरों पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में रोज के अंग्रेजी अखबार उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्कूल में एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। रियली वी वॉन्ट टू ब्रिंग आवर चिल्ड्रन विथ ऑल काइंड ऑफ परफेक्शंस एंड टैलेंट्स। वी हैव एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज है, डांस है, म्यूजिक है, ड्राइंग है, देन वी हैव क्राफ्ट क्लासेस है। थ्रू ऑल दिस मीडियम द सेंस ऑफ परफेक्शन वी इनकल्केट इन द चिल्ड्रन। रिपीटेडली दिस टर्म इज यूज्ड, परफेक्शन। इस हॉल में टेबल टेनिस जैसे खेल खेलने की व्यवस्था भी कर रखी है। यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस लगा रखी है। 99% बच्चे स्कूल बस से ही स्कूल में आते हैं और यहीं से वापस वो अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। हमारा जो सेशन जो होगा 2024-2025 का, उसमें हम 8th क्लास तक एडमिशन्स ले रहे हैं और उसके बाद हम हर साल हम एक एक क्लास आगे बढ़ते हुए हम 12वीं क्लास तक हम इसको लेकर जाएंगे। और 12वीं के साथ साथ हम इसमें सभी प्रकार की जो स्ट्रीम्स होती है, साइंस, बायो एंड साइंस मैथ्स दोनों, कॉमर्स और आर्ट्स,
ह्यूमैनिटीज जिसको हम आज के तर्ज में कहते हैं, इस प्रकार से हम इनको हर एक फील्ड में बच्चों को आगे लेके जाएंगे और हर सीनियर क्लासेस तक हम यहाँ पे उनको कंडक्ट करेंगे।